तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीरीज शुरू होने वाली है शॉर्ट्स फंड के बारे में, कि शॉर्ट्स फंड क्या है। तो इस सीरीज में 5 से 6 वीडियो आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा शॉर्ट्स फंड क्या है, किसको मिलने वाला है और किस तरीके से इसको क्लेम करना है। तो सीरीज का है पहला वीडियो जिसमें बात करेंगे शॉर्ट्स फंड क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है शॉर्ट्स फंड क्या है और कितने बीच पर आपको शॉर्ट्स फंड मिलने वाला। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट्स फंड क्या। शॉर्ट्स फंड के बारे में जानने से पहले आपको इसके बारे में थोड़े से 4 से 5 पॉइंट समझने होंगे जो इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप पॉइंट को नहीं समझेंगे शॉर्ट्स फंड क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नंबर एक, शॉर्ट्स फंड यूट्यूब द्वारा $10 करोड़ का एक शॉर्ट्स फंड है, जिसे 2021 और 2022 के बीच क्राइटेरिया को पूरे करने वाले जो हमारे शॉर्ट्स के क्रिएटर हैं उनको बांटा जाएगा। इसमें जो शॉर्ट्स के क्रिएटर हैं वह $100 से लेकर $10,000 तक का बोनस पा सकते हैं। नंबर 4, इसमें आपको शॉर्ट्स के व्यूज के आधार पर शॉर्ट्स फंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको शॉर्ट्स फंड मैट्रिक परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। मैट्रिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक महीने में मासिक व्यूज और आपकी ऑडियंस लोकेशन के आधार पर आपको शॉर्ट्स फंड दिया जाएगा, ना कि व्यू के आधार पर। चाहे आपके किसी भी एक वीडियो पर लाखों या मिलियंस में व्यू हो, तब भी आपको शॉर्ट्स फंड नहीं दिया जाएगा। वो YouTube खुद डिसाइड करेगा कि आपके चैनल पर रेगुलर कितने व्यू हैं और 6 महीने में 8 महीने में कितने ज़्यादा व्यू आए हैं, उसके आधार पर आपको शॉर्ट्स फंड दिया जाएगा। अगर आपको शॉर्ट्स फंड इस महीने नहीं मिलता तो आपको अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपके अगले महीने की परफॉर्मेंस और पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए तब भी आपको शॉर्ट्स फंड दिया जाएगा। तो आप सब लोग समझ गए होंगे शॉर्ट्स फंड क्या है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। जो 5 से 6 पॉइंट थे वह मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब इसका जो अगला वीडियो आएगा इसमें हम बात करेंगे कि शॉर्ट्स फंड पाने का हकदार कौन कौन है। तो उस वीडियो का करिए इंतज़ार, अगला वीडियो आएगा सुबह 10 बजे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए।